हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, सुबह का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो हमारे यहाँ की जो पड़ोस की ताइजी हैं वो घर पे आके बैठ गई हैं आग के सामने। दोस्तों, हमारे यहाँ पर आग जलती रहती है। और फिर दोस्तों, मैंने यहाँ पर खाना खा के पानी पी के अपने घर से निकल गया, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने के कारण मैंने भी कान से मुफलर बांध लिए हैं और अपने मैदान में खेलने के लिए निकल चुका हूँ मैं भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रास्ते हैं बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो मैदान में खेलने के लिए पहुँच गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और काफी लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि दोस्तों इकट्ठे देख सकते हैं इसलिए कि हमारी जो वॉलीबॉल की गेंद है वो फट चुकी है, तो न्यू गेंद जो है कॉस्को की मंगाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से कॉस्को की है। तो मोबाइल में हम देख रहे हैं इसकी रेट क्या है, दोस्तों हम भी इसके रेट को जान सकें। तो यहाँ देख सकते हैं बॉल आने के कारण दोस्तों इस प्रकार से इसमें हवा डाली जाएगी तो खेलने लायक हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर स्कूल की छुट्टी होने के कारण जो बच्चे हैं वो पबजी फ्री फायर में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कैसे पबजी खेल रहे हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर जो तीन चार लोग हैं वो पबजी खेल रहे हैं। दोस्तों, आप इस समय क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग क्रिकेट खेलने में बिजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठंड की छुट्टी पड़ गई है तो यहाँ पर अपना मनोरंजन वगैरह करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा मैदान आपके लिए देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर वॉलीबॉल स्टार्ट हो गया, तो मैंने थोड़ी देर दोस्तों वॉलीबॉल का आनंद लिया। फिर मुझे भी यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने का दोस्तों मौका मिला, फिर मैंने भी यहाँ पर वॉलीबॉल खेला। वॉलीबॉल खेलने के बाद ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, तो हमने यहाँ पर आग जलाई। आग जलाने के बाद यहाँ पर अपने आग का आनंद लिया, ठंड को दूर किया। तो अब मैं दोस्तों वॉलीबॉल खेल के अपने घर के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे अभी खेत पे जाना है भैंस के लिए दोस्तों बरसिंग काट के लानी है। तो जैसे ही मैं घर पे पहुँचा, मैंने अपने घर से हसिया पल्ली उठाया और अपने खेत के लिए निकल गया। तो यहाँ पर मैंने रास्ते में देखा कुछ लोग अपने घर के सामने ताप रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस मौसम में ठंड पड़ रही है, तो लोग अपने घर पर ही ताप रहे हैं। फिर दोस्तों, जैसे ही मैं अपने खेत के पास पहुँचा, यहाँ पर भी वॉलीबॉल हो रहा था, तो कुछ देर मैंने यहाँ रुक कर भी वॉलीबॉल का आनंद लिया। और कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों पत्ते से खेल रहे थे, दोस्तों ताश बोलते हैं उनसे खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, वो धरती पर कुछ ना कुछ बनाकर खेल रहे थे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों सभी लोग अपना टाइम पास कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। फिर मैं पहुंचा अपने खेत पर, तो यहाँ दे सकते हैं मैं अपने खेत पर बोरा लेने लगा कि मेरा खेत पर किसी ने कोई नुकसान किया है या नहीं किया है, तो मुझे बरसिंग काटने के लिए उस कोने पे जाना है। तो मैं अपने गाँव के गाँव में होकर अभी भी दोस्तों उस कोने पर जाना पड़ेगा। तो मैं अपने गाँव में होकर फिर दोस्तों उस कोने पर जाने लगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भैंस के लिए अभी बरसिंग काटनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने अपने घर का जो पेड़ है वो काट कर रास्ते पर गिरा दिया है, तो रास्ता बंद है, तो मुझे इनके घर के ऊपर होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अपने खेत के लिए फिर निकल चुका हूँ और अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने उस कोने पर जहाँ से मुझे बरसिंग भैंस के लिए काटनी है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर तार लगा हुआ था, तार मैंने पार किया, फिर अपने खेत में पहुँच गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले पल्ली डाली, अब अपनी बरसिंग आपके लिए दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अपनी बरसिंग में नुकसान हो चुका है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पेड़ कटवाए थे, तो जो पेड़ है वो दोस्तों बरसिंग को ऊपर गिरे हैं, तो सभी बरसिंग जो खराब हो चुकी, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है यहाँ पर बरसिंग काटते समय। तो दोस्तों, हमारी बरसिंग कट चुकी है, मैंने इसको पल्ली में बांध लिया। दोस्तों, मैं हसिया उठा लेता हूँ और जो बरसिंग है दोस्तों अपने सर पे लेके दोस्तों अपने घर के लिए निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बरसिंग मैं अपने घर पे लेके पहुँच चुका हूँ। मैं अपने घर पे पहुँचने के बाद आप लिए दिखा देता हूँ। हमारे भी दोस्तों अभी भी आग जल रही है, मम्मी ताई वगैरह यहाँ पर सभी लोग अभी ताप रहे हैं। दोस्तों, फिर हाथ पाए धोके मैं फिर से घूमने के लिए निकल आया। दोस्तों, आपके लिए ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो चाहिए तो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करिए।